और अब खबरें विस्तार से। आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को आज महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं ने न सिर्फ माल्यार्पण कर उन्हें याद किया बल्कि उनके पद चिन्हों पर चलने का भी संकल्प लिया। जदयू ने अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए अम्बेडकर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंचा और माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कहा कि देश भर में बाबा साहब की 67वीं पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश कार्यालय के निर्देशानुसार जो है आज कटिहार में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा का माल्यार्पण होना है। आज प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के दिशा निर्देश पर आज बाबा राम भीमराव अम्बेडकर जी का परिणाम दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग कुंदन पासवान जी जो हमारे अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं उनके ही नेतृत्व में एकदम शानदार जानदार कार्यक्रम आज आहूत हुई है, जिसमें हम लोग जदयू परिवार के जितने भी लोग हैं प्रखंड स्तर से ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आए हैं, शहर के भी लोग हैं, सब लोग हम लोग मिल करके प्रदेश के निर्देशानुसार परिणाम दिवस मना रहे हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो सपना था उसको जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जो पूर्ण कर रहे हैं, आज हम लोग संकल्पित हुए हैं कि जिस तरह हमारे नेता ने समाज के अंतिम पंक्ति के लोग और कमजोर वर्ग को आरक्षण देकर के 75% समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, उसके लिए हम लोग अपने नेता के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं आपके माध्यम से। जय जदयू, जय नीतीश। भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर हमारे बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के निर्देशानुसार बिहार के विभिन्न जिलों में कटिहार में भी हमारे जो दलित प्रकोष्ठ के जो जिला अध्यक्ष है कुंदन जी उनके नेतृत्व में हमारे सहयोग से पार्टी के तमाम लोगों के सहयोग से आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस को हम लोग धूमधाम से मनाया और संविधान दिवस के रूप में भी हम लोगों ने इनको मनाया। आज जो संविधान के विरोध में हमारे देश के जो सरकार है वो संविधान को मिटाने के लिए तुले हुए हैं, उनके जो सलाहकार हैं वो बयान देते हैं कि संविधान को बदला जाए। उनकी औकात नहीं है कि बाबा साहब के द्वारा बनाए गए जो संविधान है उनको बदलने का किसी में ताकत हो, किसी में क्षमता नहीं है कि उनके द्वारा बनाया गया जो संविधान है उनको कोई बदल सके। हम लोग उनके साथ हैं और उनके द्वारा जो कदम उठाया जाएगा हम लोग भारत सरकार का पुरजोर खिलाफ करेंगे। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। हम लोग जनता दल यूनाइटेड के सभी साथी संविधान की रक्षा करने के लिए आज हम लोग अम्बेडकर जी के प्रतिमा के आगे हम लोग एकत्रित हुए हैं। हर हालत में हम लोग को संविधान बचाना है और भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है संविधान से छेड़छाड़ करने का उसका पुरजोर हम लोग आपके माध्यम से हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं।
इधर जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाबा साहब की पुण्यतिथि को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के तैले चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी क्रम में कुर्सिला नगर पंचायत के NH 31 बस स्टैंड के निकट अवस्थित अंबेडकर पार्क में विनोद पासवान की अध्यक्षता में भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। और इस आयोजन के मुख्य रूप से हम लोग के बीच मौजूद रहे थे। इस मौके पर प्रखंड के विभिन्न बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि एवं समाज से भी मौजूद रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो अमूल्य योगदान है जिसका हम लोग ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं। आज हम लोग उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं, उनके कई गई बातों पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक कमी हम लोग में अभी भी है, उनके द्वारा जो बातें कही गई उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग अमल करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से उनका जो सपना था वो सपना निश्चित रूप से साकार होगा। यह सभा है श्रद्धांजलि का, विचारधारा का, बाबा साहब के विचारधारा पर चलने का। उन्होंने मुख्य रूप से दो बातें कही जिसको हमको अमल करना है, गरीब गुरबा को, दलित समाज को, और अभी के समय में उसको हम लोग अगर अमल करते हैं तो हम भी अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहेंगे। पहला है शिक्षित बनो। शिक्षा जो है बहुत ही जरूरी है गरीब गुरबा समाज के लिए और गरीबी दूर करने के लिए। अगर हम अपने बच्चे को शिक्षित करेंगे, शिक्षा देंगे, तब जाके जो संविधान का लाभ है उनको मिल पाएगा। अगर हम इधर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को लेकर जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एवं तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।